19वीं सदी के शुरुआत का दौर था। राजस्थान में बार बार अकाल के चलते लोगों का जीवन जीना दूभर हो गया था। रूपनगढ़ में एक परिवार था, पाटनी परिवार। वहाँ के कुछ लोगों ने कलेजे पर पत्थर रख अपनी जन्मभूमि छोड़ महाराष्ट्र की ओर पलायन किया और अपनी आजीविका के लिए आज का वाशिम या उस जमाने के बासम कस्बे को चुना। पर यहाँ आकर भी तकलीफें कम नहीं हुई, लेकिन राजस्थान की जीवटता और कर्मठता ने उन्हें संघर्ष करना सिखला दिया था। उसी वाशिम में श्री मोहनलाल जी पाटनी के पोते और ताराचंद जी गुणमाला जी पाटनी के पुत्र के रूप में 26 फरवरी 1944 को रेनाल्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में एक बालक का जन्म हुआ, नाम रखा कैलाश। पांच बहनें और एक छोटे भाई, बड़ा परिवार। इसके बीच कैलाश ने शिवाजी हाई स्कूल से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। बड़ा परिवार, आय के सीमित साधन, परिवार का गुजारा कैसे हो। कैलाश पाटनी जी दिन में पढ़ाई करते, दूसरे काम करते और शाम को रात को बस पर कंडक्टरी करते। कैलाश पाटनी जी के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन तब आया जब 20 नवंबर 1964 को उनकी जीवन संगिनी बन इंदौर से आई कोमल। कैलाश पाटनी एक एक कर नए काम करते और अपनी किस्मत आजमाते। कभी बालाजी मंदिर के पास अनाज की दुकान लगाते तो कभी पुस्तकें बेचने निकल पड़ते, कभी दूध पाउडर बेचते तो कभी मकानों की नेम प्लेट बनाते। घड़ी बेचने की कोशिश भी की ताकि लोगों के साथ अपना समय भी बदल जाए। महिलाओं के लिए चूड़ियां बेचने से भी उन्होंने कभी कोई परहेज नहीं किया। जब कुछ न बन पाया तो कुछ दिन रायपुर में नौकरी भी कर रहा है। इसी बीच कोमल भाभी घर से सिलाई करने और सिखाने के साथ ही साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही। घर में पुत्री नीना का जन्म हुआ तो पीछे दो पुत्र नितिन और नीलेश भी। छोटे भाई विलास की पढ़ाई का ख्याल करते, भाई बहनों और बच्चों के साथ अपने 17 भांजे भांजियों की भी उतनी ही चिंता करते। जब मौका मिलता उन्हें वाशिम बुला लेते। सपने वो नहीं होते जो नींद में आए, बल्कि सपने वो होते हैं जो तुम्हें नींद न आने दे। कैलाश पाटनी जी के लिए तकदीर तो कोई बड़ा मुकाम ही देख रही थी। इसी बीच 1973 में उन्होंने खाद की बोरियां बेचना शुरू की। धीरे धीरे हिम्मत खुली और 1976 में पाटनी चौक में एक नई दुकान की शुरुआत की, ताराचंद कैलाश चंद पाटनी। परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। जब जेब में कुछ पैसे आए तो 1980 में वेंटेश कॉलोनी में खुद का एक घर बना लिया, नाम रखा पारस। नीली छतरी वाले की कृपा कुछ और बरसी तो 1981 में घर में पहली कार भी आ गई। इसी बीच जीवन को हौसला देने वाले पिताजी श्री ताराचंद जी पाटनी का 1987 में दुखद निधन हो गया। तब विलास छोटा भाई एक बड़ी ताकत बनकर साथ में आकर खड़ा हो गया। दोनों भाइयों को अब अपना कैनवास बड़ा करने के लिए वाशिम के बाहर सोचना था। नजर गई अकोला पर और वहाँ व्यापार शुरू किया। वहाँ 1994 में खुद का मकान बना लिया। अब तो गाड़ी ने पूरी रफ्तार पकड़ ली थी। सन 2004 में मुंबई में फ्लैट ले लिया। 2010 में वाशिम में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया, नाम रखा पारस प्लाजा। 2012 में दूसरा पारस प्लाजा तो 2013 में पाटनी कमर्शियल। अकोला में नया मकान, वाशिम में नया मकान और एक एक के बाद लगातार सफलता पे सफलताएं। 2015 में एक नई इंडस्ट्रीज की ओर कदम रखा, भुसावल डिलाइट ब्लॉक्स। भतीजे राजू पाटनी और साथियों के साथ मिलकर एक सपना देखा और वाशिम में बन गया विदर्भ का सबसे बड़ा शॉपिंग डेस्टिनेशन पाटनी कॉम्प्लेक्स। शून्य से शिखर पर पहुंचना बड़ी बात है, रंग से राजा बन जाना भी बड़ी बात है, फर्श से अर्श पर पहुंच जाना भी बड़ी बात है, पर इनसे भी एक बड़ी बात है जो कैलाश चंद जी पाटनी को औरों से अलग कर देती है। एक शेर याद आता है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। उनका विश्वास था सबका साथ सबका विकास। अपने जीवन में ना जाने कितने लोगों को रोजगार से लगाया,
सगाई संबंध का मौका आता, सारी व्यस्तताएं सारा काम छोड़कर निकल जाते हैं और सिर्फ सगाई कराकर ही नहीं रुकते, उसे विवाह के रूप में भी परिणित कराते हैं। उनका मानना था, सैर कर दुनिया की प्यारे, जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी रही भी तो नौजवानी फिर कहां। यात्राएं खूब की, देश की भी और विदेश की भी, पर कभी अकेले नहीं गए, हमेशा सबको साथ लेकर चले। परिजनों और रिश्तेदारों के साथ उन्होंने खूब तीर्थ यात्राएं की, लगातार बार बार। पर बड़ा आदमी वही होता है जो शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। वाशिम उनके दिल की धड़कन था। वाशिम के विकास, उद्योग व्यवसाय, चाहे मीटर गेज हो, ब्रॉड गेज हो, कोई भी मसला हो, वे हमेशा सबसे आगे खड़े नजर आते। वाशिम जिला रेलवे विकास समिति में सदा सक्रिय है। रुचि सोया को वाशिम लाना बस इन्हीं के बस का था। एक के बाद एक बिल्डिंग बनाते रहे और बैंकों को देते रहे और वाशिम को इन्होंने फाइनेंशियल हब बना दिया। समाज के विकास के लिए भी हमेशा चिंतित रहते थे। जैन भवन बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। पिछले साल अपनी 75वीं सालगिरह मनाई तो हौसला तब भी 25 साल वाला ही था। छोटा सा दिल और सारी दुनिया को उसमें समाये रखने की जिद, आखिर बेचारा कब तक साथ देता। 15 जुलाई को अचानक उस दिल में दर्द हुआ और श्री कैलाश चंद जी पाटनी को 17 जुलाई को एयर एम्बुलेंस से मुंबई कोकिलाबेन हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। डॉक्टर्स की टीम ने पेस मेकर लगाने का निर्णय लिया और ऑपरेशन के बाद वे वाशिम वापस आ गए। पर शायद काम करने वालों की, सबको साथ लेकर चलने वालों की और अच्छे लोगों की जरूरत उस भगवान के घर में यहां से ज्यादा है। अचानक 27 जुलाई को भरी दोपहर में सूर्यास्त हो गया और श्री कैलाश चंद जी पाटनी की आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़ गई। वे चले गए हम सबसे दूर, बहुत दूर, वहां जहां जाकर कोई कभी वापस नहीं आता।